गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आइए हम क्लास फर्स्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट करेंगे। ये हमारी बुक है जिसका नाम है सेमेस्टर बुक, और आज हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे कौन सा, इंग्लिश का। बच्चों ये हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट है, इसमें कितने चैप्टर दिए गए हैं, इसमें 1 to 6 चैप्टर दिए गए हैं, बट आज हम सिर्फ ओनली 1 चैप्टर पढ़ेंगे। आइए हम चैप्टर का नाम देखते हैं, क्या है हमारा चैप्टर का नाम। ये हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है द नंबर सॉन्ग। नंबर सॉन्ग मतलब नंबर माने आप जानते हो ना क्या होता है, नंबर माने गिनती होता है और सॉन्ग माने गाना होता है। आइए नीचे देखते हैं क्या दे रहेगा। वार्म अप सेशन, कलर द गिवन ऑब्जेक्ट एंड राइट देयर नंबर इन द स्पेस गिवन, गिवन अगेंस्ट ईच। इसमें बच्चों नीचे हमें तरह तरह की पिक्चर दी गई है, इसमें क्या करना है वो आइए हम समझते हैं। इसमें जैसे यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे आइसक्रीम दे रखी है, इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे सुंदर सुंदर कलर भरने हैं, फिर आपको इस कलर को करने के बाद क्या करना है, इनको गिनकर कहाँ लिखना है, यहाँ पे छोटा जो बॉक्स दे रखा है उसमें उसका क्या लिखना है, काउंट करके देखते हैं हमारे पास आइसक्रीम कितनी है, 1 2 3 4 5 कितनी आइसक्रीम है, कितनी है बच्चों, 5 आइसक्रीम है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। इसी तरह हमें और भी पिक्चर दी गई है, जैसे बॉल देती है, फिश दे रखी है, फ्लावर दे रखी है, तो इसमें हमें क्या करना है, तरह तरह के कलर भरने हैं और उनकी क्या लिखनी है, काउंटिंग लिखनी है। देखते हैं, आइए देखते हैं हमें आगे क्या दे रखा है। बच्चों ये हमारा चैप्टर है, और चैप्टर देखो इसमें तरह तरह के जानवर दे रखे हैं, जैसे काऊ हो गया, लॉयन हो गया, ये क्या है वॉच होगी, ये क्या है हॉर्स हो गया। आइए देखते हैं हमारे पोएम में क्या दे रखा है। ये हमारी यहाँ से पोएम स्टार्ट होती है। बेटा इसमें हमें काउंटिंग के थ्रू क्या दे रखी है, पोएम दे रखी है जो हम आज सीखेंगे। आइए हम देखते हैं क्या दे रखा है। यहाँ दे रखा है 1 2 द काउस मूव। मूव मतलब कि काऊ की कौन सी आवाज़ होती है, काऊ कौन सी साउंड के थ्रू बोलती है। आपको पता है ना, आपके घर के आसपास भी गाय रहती होंगी, तो कैसे करती है, मूव करके बोलती है। कैसे बोलती है, मूव। आइए नीचे क्या लाइन दे रखी है वो पढ़ते हैं। 3 4 द लॉयंस रॉ। क्या है रॉ, क्या है बताओ बच्चों, लॉयन की आवाज़ कैसे है, रॉयर कैसी होती है, रॉयर होती है। रॉयर माने क्या होता है, दहाड़ना होता है। क्या होता है, दहाड़ना। अच्छा ये बताइए लॉयन कहाँ का राजा होता है, ये बताइए, लॉयन जंगल का राजा होता है। आपसे पूछा भी जाता है ना कहानियों में जंगल का राजा कौन होता है, तो आप लोग आंसर भी देते हो जंगल का राजा कौन होता है, कौन होता है बच्चों, लॉयन होती है, मतलब कि शेर होता है। आज हमने 1 2 कहाँ तक काउंटिंग के थ्रू पोएम पढ़ी, आज हमने 1 2 4 के थ्रू हमने पोएम पढ़ी। आइए इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ। ये है हमारा पार्ट 1 जिसमें बोल रखा है राइट 1 राइमिंग्स वर्ड फॉर ईच। इसमें क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, 4 दे रखा है, 6 दे रखा है, और क्या दे रखा है, 10 दे रखा है। इसको हमें कैसे करना है, इसको हमें राइमिंग के थ्रू लिखना है। यहाँ पे TW और 2, टी और डब्ल्यू से कौन सा वर्ड बनेगा बताओ, टी और डब्ल्यू से कौन सा बनेगा इसका राइमिंग वर्ड, ये क्या है बच्चों, 2 है, 4 है, 6 है एंड 10 है। आपने पीछे क्लास में राइमिंग वर्ड बनाना सीखा था ना, हाँ आपने सीखा था, तो आपका यही होमवर्क है। पहले आप खुद से मतलब सेल्फ स्टडी करोगे, आप खुद ट्राई करोगे कि आपको इसमें क्या फिल करना है, और आपको ये फिल करके लाना है किसमें, बुक में। जब आपकी लाइव क्लास होगी तब मैं आपका ये काम सारा चेक करूंगी, आपको क्या करना है इसमें राइमिंग वर्ड बनाने हैं। आइए नीचे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है व्हाट साउंड्स डू दिस एनिमल्स मेक। इसमें देखो अभी आपने पोयम में कौन कौन सी साउंड पढ़ी थी, कौन कौन से एनिमल की साउंड पढ़ी थी, एक लॉयन की एंड काऊ की, इन दोनों एनिमल्स की आपको क्या लिखनी है, यहाँ पे साउंड लिखनी है। आपको पता है ना मैंने जब पोयम पढ़ाई थी तो यहाँ पे साउंड बोली थी, तो यहाँ पे आपको लॉयन की साउंड लिखनी है और यहाँ पे काऊ की साउंड लिखनी है। बेटा आज तक आज आपका चैप्टर यहीं फिनिश होता है, नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड और एनिमल्स की साउंड पढ़ेंगे। बस आज के लिए इतना ही।